तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको सिखाऊंगी मुंबई की बहुत ही फेमस डिश, जिसे हम कहते हैं दही सेव पूड़ी। ये खाने में बहुत ही यम्मी होती है और हर कोई इसे बहुत पसंद करता है, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। आइए मैं आपको सिखाती हूँ जो मेरे होटल में ये कैसे बनती है। नॉर्मली दही पूड़ी में जो है सब लोग सादा आलू डालते हैं, बट होटल में अगर आप खाए होंगे तो होटल में जो थोड़े चटपटे आलू रहते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। आपको आलू में तो लाल मिर्ची, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है, थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे बनाएंगे तो टेस्ट थोड़ा अलग आता है, और सिर्फ आलू डाल के खाएंगे तो थोड़ा फीका फीका टेस्ट लगता है, और इससे बनाएंगे टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और आपको डालना है धनिया, धनिया डाल के आप अच्छे से मैश कर लीजिए। और यहाँ पे जो दही है वो दही भी हम सादा नहीं रखेंगे, दही भी हम थोड़ा इनोवेटिव तरीके से बनाएंगे। दही में थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा लाल मिर्ची और थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, उससे जो है दही का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। सादा दही डालेंगे तो खट्टा खट्टा खाने में लगता है, बट ये डालेंगे तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ के आता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा होटल स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेना है पापड़ी, पापड़ी में आपको बारीक बारीक ऑनियन डालना है, सब वेजिटेबल जो है वो बारीक बारीक ही काटिएगा, और थोड़ा थोड़ा टमाटो डालना है, सब ज़्यादा भर भर के मैं डाली, थोड़ा कम कम ही डाली। तो ही देख रहे हैं मैं टमाटो डाल दी हूँ मैं अच्छे से। और अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आलू मसाला, अब आपको आलू मसाला डालना है। इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा आलू मसाला भी भर दीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड, ये दही पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए चाट मसाला, चाट मसाला नहीं है तो आप नॉर्मल अमची पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इमली की खट्टी चटनी जो मैंने रेडीमेड लिया है, बट इसकी रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँगी। अब आप तीखा और मीठा जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही पुदीना की चटनी। ये चटनी मैंने घर पे बनाया है, ये चटनी भी होटल स्टाइल में है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना जो होटल में कैसी ग्रीन चटनी बनती है। तीखा और मीठा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सेव। अब आपको दही अभी मत डालिए, दही आप थोड़ा लास्ट में डालिए, बिकॉज अब दही अभी डाल देंगे तो दही जो है थोड़ी पापड़ी आपकी मेल्ट हो जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। दही की क्वांटिटी और तीखा और मीठा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको कितना चाहिए। मैं तो दही कम ही प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर दही डाल के नहीं पसंद है, बस इतना दही काफ़ी है मेरे लिए। देखिए मैंने अच्छे से पूरा दही डाल दिया है। अब आपको वापस से चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है, और आपको जो बचा हुआ सेव है वो उसके ऊपर डाल देना है। इससे जो है खाने में टेस्ट जो है अच्छा लगता है। अगर पहले डाल देंगे तो सेव जो है थोड़े नरम हो जाते हैं, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता, लास्ट में सेव डालेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। और आपको डालना है बहुत ढेर सारा धनिया। आप देखे होंगे कभी भी लोकल स्ट्रीट पर धनिया जो है बहुत सारा ज़्यादा डालते हैं तो टेस्ट जो है बढ़ जाता है। और लास्ट में हमें डालना है चना दाल की जो नमकीन आती है वो डालना है, वो नहीं तो कोई बात नहीं, उसके स्किप भी कर सकते हैं, अनार दाना भी डाल सकते हैं, वो ये सब अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। बस आपकी जो दही पूड़ी है रेडी है, इन्जॉय करिए फ्रेंड्स, और मेरे साथ में जरूर शेयर करिए जो आपको कैसे लगा इसका टेस्ट।